नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख सकते हैं वही इस गेम का नाम है। और मेरे बैकग्राउंड में जो आप जिस तरह की ग्राफिक्स देख रहे हैं वैसे ही कुछ ग्राफिक्स आपको आने वाले इस गेम प्ले में दिखने वाला है। बहुत ही ज्यादा हॉरर, एटमोस्फेरिक हॉरर, जहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा अजीब सी चीजें बनती हुई, और साथ ही साथ साउंड जो है इस गेम का हेल्प करेगा इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा पजल टाइप भी गेम है, तो लेट्स सी स्कॉन जो गेम का नाम है हमारे लिए पहले कुछ मिनटों में क्या एक्सपीरियंस देता है और क्या ये गेम वर्थ इट है शुरुआती एक्सपीरियंस के बाद, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर मैंने न्यू गेम पे क्लिक किया है और ओके, गेम की शुरुआत इसी स्क्रीन से हो रही है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा ये खाली पोस्टर होगा, बट ये पोस्टर नहीं है, ये एक्चुअली में गेम का ही हिस्सा है। कटसीन्स है, एक बंदा है जो पता नहीं कहाँ चिपका हुआ है, और ये है क्या भला भाई, स्किन है नहीं, ये जिस जगह से चिपका है वो भी भाई मैंने रियल लाइफ में तो कभी देखी नहीं। और आंख खोल ली, होश में आ गया है हमारा कैरेक्टर। अजीब सी, इसको देख के अजीब सी घिन आ रही है, भी स्क्रीन देख के घिन, मतलब एक अजीब सा झंझट झंझट हो रहा है यहाँ पर देख कर, ये क्या है। ये पीछे अजीब सा एक टावर था, टावर की जगह उसको एक चट्टान का दिख रहा है हिस्सा, खड़े नहीं हो पा रहा, बहुत बुरी तरह से घायल है या ठीक है। फिर से वो टावर दिखा है और ये बंदा हमारा दो दुनिया में जी रहे हैं भाई, तो अभी जहां पर है वो समझ नहीं पाए, गिर गए नीचे किसी केव में जाके गिरे। गेम का कंट्रोल अभी भी मेरे पास नहीं है इस वक्त तक, जो भी कटसीन्स देखे आपने वो हमारी गेम के कटसीन्स थे, फिर ब्लैंक हो गए स्क्रीन। यहाँ पर खोलते हुए, और हाँ वही सीन है जो अभी पिछली बार देखा था, एक अजीब सा ग्लोविंग डॉट जैसा है कुछ, और अब उनका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। गेम इतना डार्क है ना, इसके ग्राफिक्स इतना डार्क है ना, डार्क कॉमेडी वाला नहीं है एक्चुअली में, डार्क वाला जो होता है वो हॉरर वाला डार्क। ठीक है, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े हो गए, गेम का कंट्रोल भी मेरे हाथ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर गेम कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं दिख रहा ना, गेम मुझे बता रही है कैसे दौड़ना है, चलना है, खुद ही समझना है इस गेम को। ओके, ऐसे ही होती है गेम्स, इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं होता, और इसकी डिफिकल्टी भी कोई नहीं थी इस गेम में। जो डिफिकल्टी है जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी होगी, आपके लिए जो डिफिकल्टी है सेम मेरे लिए भी होगी। ठीक है, ये हम कहाँ पहुँचे हैं, नीचे तो उतर नहीं पा रहे हैं, तो मतलब नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में भागते हुए हम लोग, अभी भी कुछ आया है कि नहीं, ये तो ये लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैं मेहनत नहीं कर रहा इस हिस्से में, उधर सीधा जाने का मतलब नहीं। राइट में है एक रास्ता, मिल गया है मुझे, अच्छी बात है। कदमों की आवाज देखो, बैकग्राउंड का साउंड देखो, कितना परफेक्ट बनाया है डेवलपर से। ठीक है, अब ये तो होगा कि नहीं, हाँ क्लिक बटन से इंटरेक्शन होता है, एफ और ई से नहीं। तो ये देखो, देख लो इनकी बॉडी देख लो, मतलब ये गेम फर्स्ट पर्सन में चल रहा था, अभी थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, अभी ये क्या चीज है। अब पहली चीज देखी मैंने, उसमें अपना हाथ डाल दिया, क्या है ओ, ओके ये क्या है भाई, क्या है वो, ये तो वुल्वरीन बना दिया मुझे, हमारे शरीर में फिट कर दिया, वो भी है बटन वाला भी, ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक अंदर बाहर होता है। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, बट हाँ ये भी कुछ है। ओके, ये क्या चीज है, पजल आ गई, पजल आ गई, पजल आ गई। तो जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा लॉक जैसा है और राइट हैंड हमारा पजल जैसा काम कर रहा है। ठीक है, करना है, हाँ इसको अनलॉक किया मैंने, अनलॉक हो गया। ठीक है, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैं चला जाऊं उसके बाद गिरो जितना गिरना। ठीक है, अब अजीब सा रास्ता है, ऊपर की तरफ जाना है, अभी कहाँ जाना है भाई बिल्कुल आइडिया नहीं, क्यों आइडिया नहीं पता, ये गेम चाहती है कि भैया आप अभी ना पहचान पाओ। ठीक है, हाँ ये कुछ आया रास्ता, बट भैया खोल देना दरवाजा,
लक्षण लग नहीं रहे हैं मुझे आपके। लॉक डाउन नहीं होगा, इधर नहीं जाना, इधर सारी पटरियों का रास्ता है। देखो नीचे पटरियां बनी हुई हैं। अब ये क्या चीज है, अब इसमें लग रहा है कि सामने कुछ बैठेगा कोई और हमें उसको कुछ करना है। अभी यहाँ तो कुछ है, मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ पर सामने कोई है नहीं, मतलब कि आई थिंक ये पजल भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एग्जिट भी हो रहा है कि नहीं? हाँ एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी 2-3-4 रास्ते हैं। नहीं भाई, इस तरह की गेम में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप सीधे सीधे जाओगे सीधे गेम का रास्ता आ जाएगा, मतलब आने को मैं झूठ नहीं कहूंगा बट पहले चैप्टर में मैं चाहता था कि ऐसा हो बट ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। यहाँ पे हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे कैसे बनाया गया एनवायरनमेंट इसका, काफी स्पूकी है। देखो वापस आ गया वहीं पे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं इसी 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 रोड इसी पटरी पे ही। लेफ्ट साइड एक रास्ता आया है, ओके चलो। अब ये भी वैसे ही पजल लग रही है। यहाँ कहीं रास्ता है? हाँ रास्ता है, कि लिफ्ट ऐसा है, ठीक है। ये दूर से दिख गया कुछ है लिफ्ट जैसा, पजल डालू भाई। यहां से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे 2 या 3 पजल हम छोड़ के आए हैं मिनिमम, क्योंकि मैंने अभी भी पूरा रास्ता चेक नहीं किया है नीचे वाला। भाई कहाँ है गेट? अच्छा ये रहा, सामने नहीं खुला कहीं, राइट में थोड़ा या थोड़ा लेफ्ट खुला है, ठीक है। हाँ गई पजल, सामने ग्लोविंग हिस्सा दिख रहा है। और अगर आप देखते हो राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ अजीब अजीब चीजें हैं, और यहाँ पे दो ग्लोविंग हैं, थोड़े कम ग्लोविंग भी हैं यहाँ पर, एक अंडे जैसा है राइट साइड में। ये नहीं हुआ है, लेफ्ट में तो कुछ नहीं, राइट में है कुछ, देखते हैं क्या है। एक लेफ्ट राइट कंट्रोलर है और आप कुछ अंडे जैसा है उसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ पूरे को, और ये ग्लोविंग वाला जो अंडा है ना इसको मैं ला रहा हूँ यहाँ, बैक कर देंगे। Let's go. भाई चल जाना, ओपन करवा देना, मुझे नहीं मालूम क्या ओपन करवाएगा बट कुछ तो होगा, क्योंकि वो सीट बनी हुई भी है वहां पे। ये अंडा, अरे यार हो गया क्या, अबे टूट गया ये तो। हाँ एक और ग्लोविंग अंडा भी है, मतलब ये दोनों अंडे का यूज करना है। और सीधी सी बात है, वो ग्लोविंग अंडे को उस ग्लोवर जो ग्लो कर रहा है उस एरिया में जाके फिट करना है। देखो वो मशीन वहां पे रख रही है उसको, एग्जिट कर ले भाई, हो गया मेरा, ये मेरा काम का नहीं है अभी। अब यहाँ पे हमें अपना पचलिंग दिमाग यूज करके इसको सेट करना है, ठीक है। तो करते हैं फटाफट सेट, अभी देखो कितना टफ होने वाला है, पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा है वो देख लूं मैं। फाइनली अच्छे खासे 15-20 मिनट बिगाड़ने के बाद हमारा ये जो पजल है वो सॉल्व होता हुआ, जितना इजी सोचा था ना उतना इजी नहीं आई है। एग्जिट करेंगे और हम लोग वो जो ग्लोविंग अड्डा है उसको पता नहीं क्या करेंगे, मुझे भी नहीं मालूम जो होगा आपकी आंखों के सामने होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये सही हो, मालूम पड़े एक और आ गया तो मेरे को 2 दिखे थे तो कहीं आइडिया था कि भाई 1 से ज्यादा होगा, पर पहले चैप्टर में होगा ये नहीं सोचा था, ठीक है। हाँ ये अंडा सही सलामत हमने निकाल दिया है, अंडा है कि पता नहीं ये भी नहीं मालूम, ठीक है। हाँ कोई है तो शख्स इसमें बैठा हुआ, जो बैठा हुआ है अजीब सिचुएशन में बैठा हुआ है। ये एक्शन करने में मेरे को भाई योगा बन जाएगा, मेरा योगा पोजिशन में है। नीचे जा रहा है, ठीक है ये ध्यान रखना है कि लिफ्ट से हमें फिर नीचे जाना है जैसा हिंट मिल रहा है हमें स्क्रीन पे। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट देखो भाई, म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। चलो लिफ्ट से नीचे चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी बहुत सी चीजें हैं बट डेड है सब कुछ। और भाई तू सीधा लिफ्ट पे जाना, काहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है।
तो ये हम जाते हुए हमारे निचले फ्लोर की तरफ, ग्राउंड की तरफ जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे। अब वहां पर मैं दो तीन चीजें देखी, देखता हूँ वो उठा उठा के रखने वाला है। मैं क्या से ये अंडे को हमें कहीं ऐसी जगह फिट करना है। अभी देखो क्या कैसे होता है, कहाँ फिट करना है पता नहीं। ठीक है अभी ये हिस्से में तो अभी भी अंडा देखो यहाँ कहीं है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, यही है, नहीं तो नहीं। नहीं यहाँ पर तो नहीं है एक्चुअली, यहाँ लिफ्ट है भी नहीं, तो भैया ये है ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं सेंटर वाले हिस्से पे जा रहा हूँ, ऊपर वाले हिस्से पे। यहाँ पे पटरियां बहुत सारी हैं, बाकी भाई कोई बंदा के लिए आसान नहीं होने वाला। आई थिंक जो बंदा रेगुलर पजल गेम्स भी खेलता है ना, यहाँ पे कोई हिंट नहीं है इसलिए। वो देखो वो अंडा दिख गया मुझे, ठीक है ये अंडा है कहाँ, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पर रास्ते कुछ बनाए गए हैं और देखो पटरियां हैं जो कनेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं से। अभी ऐसे तो देखा जाए सही लग रहा है मेरे को, कुछ बदलने की जरूरत नहीं लग रही सभी, तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा हाँ एक सेकेंड, मुझे इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये हर बार क्रॉस ना करे, सिर्फ एक हिस्से पे कनेक्ट करे जहाँ हमें जाना है, वो अंडे वाले हिस्से पे। ठीक है पर अंडे वाला हिस्सा है कौन सा, मैंने अभी ये वाला अपनाया है, अभी देखो क्या होता है ये। भाई देखो ट्राई एंड एरर है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर पता नहीं। ठीक है ये अंडा यहीं पे था ना, यहाँ पे था, नहीं 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 यहाँ नहीं था भाई, कहाँ गया अंडा, मैंने देखा अभी यार, ये है क्या, नहीं भाई ये नहीं है, पता नहीं कहाँ खो क्या भाई इसने छोटे से मैप में। यही है भाई, यही है, यही है। मुझे दिख क्यों नहीं रहा अंडा कि कहाँ है, मैं नीचे तो ला रहा हूँ बट फिर भी। इसको ऊपर ले जा भाई, ऊपर ले जा और ऊपर ले जा और ऊपर ले जा और ऊपर ले जा। अरे यार अच्छे यार कर्सर दबाना था। हाँ ठीक है वो आ गया अंडा नीचे, अंडे का फंडा क्या है, लेट्स से भी नीचे ला रहा हूं मैं, बैठा दे बैठा दे बैठा दे भाई। तू क्लिक करना मत भूला कर, तू क्लिक करना भूल जाता हूँ डायरेक्शन के चक्कर में। अब क्या, अभी मान लो अभी नीचे का ऑप्शन आ तो रहा है, और नीचे भी होता है क्या ये, ठीक है कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना है वो मुड़े ना रास्ता, मैंने जो मुड़ने वाला ऑप्शन रखा है ना पटरी वाला, वो मुझे नहीं रखना है क्योंकि यहाँ तो नहीं मुड़ी, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, ठीक अपने आप ही रुक गया। अच्छा है लेट्स सी क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ले जाएगा क्या, ये क्या है, ये क्या किया भाई, क्या किया ये, तड़प रहा है बंदा। अरे भाई वो निकलना चाह रहा है वहां से, भागना चाह रहा है यहाँ से। ये मैं कहाँ घुमा ले जा रहा हूँ इसको, पता नहीं भाई, मुझे तो डाउट है कि सही जा रहा हूँ मैं, बट अगर गलत हुआ तो वापस लाना पड़ेगा, और फिर वो जो ऊपर मैप है गलत है। ये वाले को बंद कर भाई, अब जो हमने खोला था ना उसके अब निचले लेफ्ट वाले को हम लोग ऑन करेंगे यहाँ से, ये बेकार है। और पजल गेम में हो सकता है कि आप वीडियोस देखते हो कि लोग एक बार में पूरा कर लेते हैं, भाई कोई बंदा एक बार में पूरा नहीं कर सकता, ये मैं आपको लिख के दे दूं। जो एक बार में वीडियोस कहते हैं ना कि हमने एक बार में पजल गेम पार की, उससे बड़ा फ्रॉड आई थिंक कोई नहीं है, इम्पॉसिबल है भाई इस तरह की पजल गेम्स को वन ट्राई में कम्प्लीट करना।
मतलब पहली बार आप गेम खेल रहे हो, आपको पहले से ही पता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, इम्पॉसिबल। हाँ एक दो तुक्का लग सकता है, बट 3 घंटे का गेम प्ले इज नॉट अ तुक्का। ठीक है, मैंने कौन सा क्रॉस किया था, उसके आगे वाला, ठीक है ये है ना, इसको नहीं, अब ये वाले आगे वाले को ओपन कर, ये नहीं इसको ओपन कर, ठीक है एग्जिट। बाकी इसकी हालत तो बहुत खराब है बेचारे की, घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे भाई, घुमा कि नहीं घुमा। अरे ये तो लॉक वाला है, ठीक है ये वाले में घूम रहा है, हाँ फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई ये हो जाए रास्ता पार, नहीं तो पता नहीं। वो तो लॉक था तो वहाँ तो क्लियर हो गया जाते ही। हाँ 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 सही जा रहे हो सही जा रहे हो, आ गया हूँ आ गया। एग्जिट हाँ उठाओ इसको, पकड़ो 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 भाई, कैसे उठाएगा इसको सही में, डायरेक्शन यूज क्यों नहीं कर पा रहा। अरे यहाँ कहाँ आ गया, अरे वहां भी पटरी वटरी है क्या, लग रहा है मुझे यहाँ पे, अब यहाँ नहीं उधर वाले को पकड़ना है भाई। अच्छा हो सकता है सर ऐसे रोटेट करके पकड़े, हाँ हाँ रोटेट करके पकड़ेगा, वो उठाया उसके उसके बॉक्स के साथ ही उठाया है बेचारे को। अभी यहाँ पे छोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, तो मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ, वहाँ है भी नहीं छोड़ने का, नीचे कुछ है भी नहीं, तो मैं मेरे को लग रहा है सर इसको फिर बिठाना होगा, इसमें बिठा ले भाई। अबे ये क्या है, अच्छा मुझे वहाँ तक ले जाना है, अरे तो वो कैसे होगा यार, आ गया वो पजल वाला, यूज़ करना ही है भाई, मुझे लगा था नहीं करना बट करना है, यूज़ करना है इसको। हाँ आज सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे क्लिक करने में आ रही है, मुझे लगता है अपने आप ही हो जाएगा, बट कई बार आपको क्लिक करना पड़ता है उठाने के बाद भी, चाहिए उसकी हालत तो गई है बंदे की, जो भी है उसको मार रहा है क्या। फेंक दिया उसको भाई, खत्म बस, तो इससे मेरे को क्या फायदा हुआ। अभी अच्छा हाँ यहाँ कुछ चीजें पड़ी हैं, ओके लगता है मेरे को रिकवरी में मदद करेगा क्या, पर मेरा हाथ वाथ तो ठीक है। आई हाथ निकाल दिया, अरे बाप रे हाथ लेके घूम रहा है क्या, अचीवमेंट पूरा हुआ मेरा, इसको अचीवमेंट कह रहा है ये, बोलो कहाँ से। अभी देखो एक हाथ मुझे मिला, मेरा हाथ दूसरा, अच्छा मेरा दूसरा हाथ कहाँ गया, एक पजल थी पता है स्टार्टिंग में जो दरवाजा लॉक हो रहा था, हाँ हाँ यही दरवाजा था, एक सेकेंड। अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है ओ ये उसका हाथ, अच्छा मैंने उसका हाथ से दरवाजा खोल दिया, ओ कि उसका हाथ वहाँ, अभी ओपन हो तो मतलब है, हाँ ऐसा लगा तो कि वो दांत खुले हैं, बंद भी हो गए लेकिन फिर चाहिए तो कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ और भी पजल है क्या। ठीक है ये हिस्से में ये हाथ नहीं चला, पर एक और चीज नोटिस करो, मेरा जो हाथ है ना मेरे हाथ में कुछ ऑलरेडी फिट हुआ हुआ है अगर आप देखते हो तो। हाँ ये कुछ यहाँ पे मैंने भी लास्ट टाइम जो हाथ डाला था एकदम से मेरे हाथ में वो वुल्वरीन वाला आ गया था, तो शायद हो सकता है कि वो लॉक वाला हिस्सा मिसिंग था। तो एक्चुअली मैं अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा था वहां पर, इसको खोलने के लिए आपको 2 जरूरत है। अब यहाँ पर ये मैं इसका हाथ एक जगह डाल दूंगा शायद, क्योंकि ये की जैसा काम करता है, तो ये एक हो गया। ठीक है ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, अब ये आधा ही देखो आधा ही ओपन है, अब दूसरा मैं फटाक से जाके साथ अपना हाथ वाला डालूंगा। चल 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 चल, वहाँ हाथ है, हाँ 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 दिख रहा है उसका हाथ है अभी भी, वो भी परफेक्ट भाई परफेक्ट। ओ सामान वन टूट टाट के गिरे, लेट्स गो चलते हैं अंदर हम लोग। रोक मत रास्ते में, ये क्या आ रहा है, ये और बड़ी बजल आएगी आगे, पता नहीं कितनी बजल आने वाली है भाई, आई डोंट नो। अच्छा ये कटसीन्स है, नहीं कटसीन्स नहीं है, ये एक तरीके का लीवर जैसा है, मैंने इसको खींचा और मैं ऊपर जा रहा हूँ अब यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। अच्छा हाँ और ऊपर पहुंच गए, सही है सही है सही है।
गेम थोड़ा बहुत लैग हो रहा है क्योंकि लैपटॉप में खेल रहा हूँ मैंने मैं और रिकमेंडेड सेटिंग में खेल रहा हूँ जैसे मैं बता। अरे भाई यहाँ तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, म्यूजिक भी हल्का सा चेंज होता हुआ, मैं जा सकता हूँ हर तरफ नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत ही। अभी यहाँ कुछ है नहीं तो चलते हैं आगे भाई। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ कोने पे जितना कोना है, ऐसे लाइट तो चली है यहाँ पे, हनस चाहिए कि नहीं देखते हैं पहले जो बाहर है वो देख लेते हैं, अंदर वाला बाद में देख लेंगे। ज़्यादा होशियारी दिखाना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है पजल गेम्स में। वो ये क्या आया अचानक से, ये क्या चीज़ है, तलवार है क्या, वो कि गन है और इसकी भी सांसें चल रही है, गन्स की भी सांसें चल रही है, भाई ये क्या बवाल बनाए हो तुम। ये देखो गन की भी सांसें चल रही है, अब गनबाजी भी होगी भाई, मजा आएगा तब तो। अब ओ क्या चलती है, और यहाँ चलती है 1, 2, 3, 6 ऊपर 1, 2, 3, 8 गोलियां भी हैं इसमें। अभी जो अब मैं कह रहा था ना पीछे वाला, अब चलते हैं पीछे वाले। कहाँ गया भाई दरवाजा, हाँ ये रहा ये रहा। अच्छा इतने तो उधर भी रास्ता था बट ठीक है। अब वो लाइट वाला हिस्सा है ना, अब देखो सीधी सी बात है नई नई गन मिली है। अब इस गेम ने मुझे धोखा तो बहुत बार दिया है, कई चीज़ें नहीं बताई हैं बट अब गनबाजी की प्रैक्टिस करवा दो तो बस फुल हो जाएगा। यहाँ नहीं है कुछ, ठीक है ये कुछ है। और गन चलाने के लिए भी आई थिंक आपको वो स्कोप करके मारना होता है, ठीक है ये कुछ ओपन हो रहा है। ये क्या गोलियां आ रही हैं भाई, गोले क्या आ रहे हैं, फोड़ना है क्या इनको, तीन है गोले हमारे पास, एक तीन तो पांच हो गए, क्या है क्या भाई। पोर्ट जैसा है, पोर्ट जैसा पता नहीं क्या है, आसमान में भेजते हैं ना कोड, लोग भेजते हैं वैसा ही कुछ साइन है। गोलियों को पता नहीं मार सकते हैं कि नहीं, अभी तो मैं यही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे। अभी रास्ते की बात अगर मैं करता हूँ, आगे भी रास्ता है, आगे का रास्ता समझ नहीं। अभी मैं पीछे एक बार उसको देख लूँ यहाँ पर, अभी कहाँ गया कहाँ जाता हूँ मैं, ठीक है एक बार थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं पीछे के रास्ते चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ्ट देख लिया स्ट्रेट देख लिया, एक राइट का हिस्सा है जो बाकी है अभी तक, मैंने राइट वाला हिस्सा बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया। सो मतलब वहाँ से राइट, यहाँ का लेफ्ट वहाँ से राइट, तो यहाँ पर भी हाँ रोशनी तो चल रही है। बुलेट अभी मैं चला के देखी नहीं अभी तक, प्लीज़ चलाने का मौका दे देना आज के वीडियो में। तो यहाँ पर भी वो रोशनी वाला हिस्सा दिख तो रहा है बट ये क्या है, ये देखो है तो रोशनी वाला, पता नहीं एक्जैक्टली कैसे ओपन होगा या क्या है। ठीक है यहाँ पर ठीक वही मशीन है जिसने पिछली बार वो वाइट गोले आसमान में छोड़े थे, पर यहाँ पे तो और ज्यादा चट्टान है, यहाँ पे और ज्यादा रास्ते ओपन हो रहे हैं भाई। अटैक करना है तो बताओ, क्योंकि मेरी हेल्थ है नहीं इस गेम में, मतलब मैं मरता तो नहीं हूँ इस गेम में, ये पक्का है। कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा स्क्रीन पे, आप भटकते रहोगे बट मरोगे नहीं इस गेम में, ये कन्फर्म है। मरना होता तो हेल्थ होती ठीक है। ये भी पॉड ले गए, दो पॉड थे दो गए। अब हमने बाहर का हिस्सा सारा चेक कर लिया है, अब या तो यहाँ हमें चेक करना है या तो हम पीछे जाना है, हमारे पास ऑप्शंस ये दो तीन है। अभी देखो वापस जाने का मुझे मतलब लग नहीं रहा है कि मैं फिर से एनर्जी बिगाड़ूँ, तो मैं जा रहा हूँ इसी रोड पर ही। और हाँ एक बार मार के देखता हूँ, अभी ये कैसा मारना है अबे अबे गोली खत्म, ओए 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 ये मार रहा है क्या, ये तो बेकार गोली है भाई, मुझे तो लगा कुछ होगी खतरनाक वाली, इसकी तो कोई औकात रेंज ही नहीं है भाई, सब दोस्त से मारती है भाई। थोड़ा निकल के संभल के फाइनली एक बार में मारा। अच्छा रास्ते आगे के ब्लॉक किए थे इसने मेरे, मारना तो बनता ही था यहाँ पे। अभी मैं ठीक है यहाँ पे फिर एक कुछ इंटरेक्शन वाला आइटम आया है, तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, ओ ये पॉड कलेक्टर है, पॉड कलेक्टर है, ले जा ले जा ले जा, अबे आगे ले जा, अबे ठीक है यूज़ कर, यूज़ पर क्लिक कर, वो अपने आप ही करेगा, ले लो ले लो ले लो ले लो। ओके वो ओपन हुआ है उसी में डालना है, मेरे को लगता है ये अंडे हैं, मुझे अभी ऐसा फील आ रहा है कि अंडे हैं, वाइट कलर के जो भी है ना ये सब अंडे हैं, और पता नहीं आगे क्या होगा देखना होगा, बट ये मुझे अंडे वाली फीलिंग आ रही है। वो कौन मूव आके खड़ा हो गया नीचे डायनासोर जैसा, ठीक है वो जो डायनासोर वाला है ना मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, मुझे डायनासोर वाली फीलिंग आई है तो मैं इसको डायनासोर का मूव कह रहा हूँ। कहानी
अभी क्या बताऊं भाई, सपनों की दुनिया में है हम लोग, ये क्या हो रहा है? नजर रख भाई, तो नजर हटी दुर्घटना हटी। ये क्या है? गेट्स ओपन किए हैं। ओके, यहां पर भी एक पॉड है, ऊपर की तरफ भी कुछ चीजें ओपन की हैं। अब ये क्या है देखना पड़ेगा मुझे। बाकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, हाँ डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप, और भी पोर्ट्स को उठा सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर मैं सोचा ऊपर वाले पे डालूं क्या, ऊपर वाले पोर्ट्स पे ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ये एक शर्त है, नहीं आएगा तो मतलब नहीं कुछ। हाँ आ तो रहा है, आ तो रहा है, बट ये अलग अलग तरीके का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर तो कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा वो बंद भी तो है, दरवाजा भी तो बंद है भाई, तू देख तो सही। हाँ यहाँ आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। वो इसका तो मतलब उसमें रोशनी जली नहीं थी, देखो जैसा नीचे वाइट है ना वैसा वाइट निशान नहीं था। ठीक है, फिर कुछ आया, फिर वो डायनासोर आया। ओके, फिर मैं डायनासोर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे हाथ की हालत देख के यार पता लग जाता है डेवलपर्स ने कितना डेंजर तरीके से बनाया होगा गेम। अच्छा वो तीसरा भी ओपन हो गया है, सही है। यहाँ पे अभी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, वो ओपन हुआ है कि बंद हुआ है देखना पड़ेगा मुझे। बाकी मैं वापस आ गया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, देखो कहाँ से उठाऊँ अंडा। अनफॉर्चुनेटली एक भी अंडे बच्चे नहीं हैं, तो भैया क्या किया जाए? लेफ्ट राइट तो मैं देख नहीं सकता यहाँ पे। अरे मेरे पे भी ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास भी अंडा है क्या एक? अच्छा सही है, मैं तो लेफ्ट राइट ले जा रहा था, अपने आप ही किस्मत में आ गया। आगे शायद अंडा लगा हुआ है इसके, पॉट लगा हुआ है, सॉरी पॉट लगा हुआ है। अच्छा हाँ आगे भी पॉट लगा था, तो ये मैं पहले भी ट्राई कर सकता था क्या? और वहाँ ऊपर का वो खुल चुका है दरवाजा, इसमें आप डाल सकते हो। तो तीन तरीके से हो गया, क्या चौथी जगह भी होगा? मतलब पीछे की भी लोकेशन में होगा पता नहीं। बाकी ड्रैगन आ चुका है, मैं ड्रैगन के पास भागता हुआ फुल स्पीड में। चौथा होगा तो फिर उधर कहीं इस साइड इस तरफ हो सकता है कुछ। बाकी यहाँ पे मैंने तीन तरीके से तो कर दिया है। ओ भाई खत्म, बंदा पानी में गिर गया है। और ये नॉर्मल होता हुआ लग रहा है, नॉर्मल नहीं है तो और जिंदा हो गया लग रहा है, अब तो जीवित जान जैसा निकल रहा है मेरे हाथ तक। ये तो हमारे, अरे 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 हम गए इसमें भाई, एंड कितना खतरनाक तरीके से किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ लिखा आया, मेरा अचीवमेंट अनलॉक हुआ है 003। तो यहाँ पे शायद ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एक्ट वन या लेवल वन या चैप्टर वन यहाँ पूरा होता हुआ, एक अच्छा खासा लोडिंग स्क्रीन आ गया है। और अगली स्क्रीन जो आ रही है वो तो अनबिलीवेबल तरीके से एकदम पिंक पिंक वाली फीलिंग आती हुई, ऐसा लग रहा है वही गेम मैंने खेली, वही गेम है जो अभी मैंने कुछ देर पहले मैं खेल रहा था। मतलब लेवल का ग्राफिक्स का लेवल है, अलग ही लेवल पे चला गया। ये मेरा शरीर उसमें फंस गया है क्या? रस्सी जैसा चीज, और आप देख सकते हो कैसा अजीब ही गीला गीला एकदम लेयर है। हाँ ये पैर है मेरे, वन ऑफ द ग्रोसेस्ट गेम, सबसे ग्रोस कहते हैं ना, एकदम घिन वाली गेम मैंने खेली है, तो ये है वो नाम है जिसका, स्कॉन। ये अच्छा ऊपर लटके पड़े थे हम लोग, तो ये किसकी खोपड़ी है? पता नहीं किसकी खोपड़ी है, जो भी है पहचान में नहीं है इंसान, थोड़ा सा हिली वो भ्रम हो जाता है ना कई बार। रोशनी तो आ रही है हल्की फुल्की स्क्रीन पे, अभी भी हम लोग हाथ अपने खोलते हुए। और ये क्या आ रहा है, ये क्या है? मैं कनेक्ट हो गया उसके साथ, नाभि बन गई है मेरी, मैनेज अभी कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है बट ओहो शिट।
कंट्रोल गेम का आई थिंक आने वाला है। यस भाई, गेम का कंट्रोल हमारा आ गया, एक पूरे नए एनवायरनमेंट में आ गए। और भाई आज के एपिसोड हम लोग आई थिंक इसी एनवायरनमेंट पे छोड़ रहे हैं, लॉसों के भंडार लगे हुए हैं। और अभी भी भाई कहानी पता नहीं ये सपना है हकीकत है, कहाँ मुझे डाल दिया है किसी ने, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, इस समय क्वेश्चन मार्क पे ही लगे रुकेगा। कैरेक्टर का नाम नहीं, कोई डायलॉग नहीं, इस डायलॉग पर सिर्फ और सिर्फ गेम के साउंड के आधार पर पूरी स्टोरी, पूरा पजल गेम बनाया है, जिसके लिए भाई बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रुक रहे हैं, 500 लाइक का गोल है अगले एपिसोड के लिए, लेट्स सी कब तक पूरा होता है। इतना भी वक्त मत लेना भाई कि मालूम पड़े ये गेम का मैं गेम ही भूल गया, तो लाइक कर देना फटाक से, 500 लाइक्स जैसे पूरे होंगे अगला एपिसोड धड़ाक से लाएंगे हम लोग। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, बाय बाय।